हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एमएसएलई में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने आईएसओ फाइल से अपनी यूएसबी को कैसे बूटेबल बनाना है और उस बूटेबल यूएसबी से आप विंडो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने विंडो का पूरा ए टू जेड एक प्रोसीजर आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं बूटेबल यूएसबी का भी प्रोसीजर बता चुका हूँ मैं, और उसके अलावा डीबी से विंडो कैसे करते हैं वो भी बता चुका हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपनी यूएसबी को बूटेबल बनाना है। अब बूटेबल क्या होता है, ये क्या भला है? ये भला ये है कि पहले जो हम डीवीडी से अपने विंडोज इंस्टॉल करते थे, अब डीवीडी की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब जो नए लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं उनमें कोई डीवीडी का ऑप्शन नहीं है, डीवीडी है ही नहीं उनमें। तो इसी वजह से ये चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि आप लोग डीवीडी डिस्क इनका इस्तेमाल ना करें, उनकी जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमने इसकी सारी फाइल उठा के अपने लैपटॉप या अपने सर्वर पे डाल दी, वहां से हमने फाइल्स को कन्वर्ट किया आईएसओ के अंदर, आईएसओ से कन्वर्ट कर रहे हैं अब हम यूएसबी के अंदर। बूटेबल यूएसबी बनाने का बड़ा ही आसान तरीका है, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। और अब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गया हूँ, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये मेरे पास एक आईएसओ फाइल है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को दिखा दूं कि आईएसओ फाइल है, ये देख सकते हैं 3.232 की जीबी की ये फाइल है, डिस्क इमेज है, ये है विंडो 10। लास्ट वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ कि आईएसओ फाइल कैसे कन्वर्ट करते हैं। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देखे, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, इसका तरीकेकार ये RUFUS 3.3 का वर्जन है ये। अगर आप पुराने मतलब देर से ही वीडियो देख रहे हैं कुछ लोग, तो वो लोग इस वर्जन को अपग्रेड डाउनलोड कीजिएगा। तरीकेकार मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये फाइल हिपो से भी मिल रहा है, ये इसकी अपनी वेबसाइट से भी मिल रहा है, तो ये भी एक इसकी अपनी वेबसाइट है आईई की। तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा फाइल हिपो से कर लें, इस पर अपग्रेड सॉफ्टवेयर आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो चलते हैं फाइल हिपो में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। तकरीबन 1000 KB की फाइल है, डाउनलोड पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये हमारा 0.1 MB की तकरीबन फाइल है, ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसमें जाता हूँ अंदर और यहाँ जाके फाइल को नॉर्मली डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये पुराना वर्जन पहले भी मेरे पास इंस्टॉल है, ये मैंने अपग्रेड किया है अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए, और ये मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास इस टाइप का एक फोल्डर एक आइकन आ चुका है, तो इस आइकन को आपने खोलना है। इसको खोलने से पहले आपने क्या करना है कि अपनी यूएसबी इंसर्ट कर लेनी है। ये देख सकते हैं मैंने यूएसबी इंसर्ट की हुई है और इसका नाम मैं यूएसबी लिख देता हूँ। ये मैंने पहले एक बार इसको खुद ट्राई किया है कि कैसे क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। और कोई ऐसे सवालात होते हैं जिसके अंदर जो एरर्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मुझे शो हो रही है, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को ये एरर्स और शो गाइड्स कर रहा हूं। तो चलते हैं, अब मैं इसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो पे फॉर्मेट हो जाएगा। मैंने फाइल का नाम दिया यूएसबी, इस प्रोग्राम को मैं कैंसिल करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल का तरीका आप लोगों को बताया वो आप लोग खोलें। अब आप इसको खोलने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं आप 8 GB की यूएसबी मेरे पास इंस्टेंट लगी हुई है, जो मैंने अभी आपका नाम चेंज किया तो यूएसबी आ गया। इस यूएसबी के अंदर आप लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आपने क्या करना है कि ये बता रहा है कि बूट सिलेक्शन आईएसओ फाइल की सिलेक्शन देनी है। अब आपने आईएसओ फाइल मेरे दिस इज विंडो 10 के नाम पे, ये मैंने क्लिक किया, इसको ये डेस्कटॉप पे रखी है, ओपन किया इसको मैंने। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, किसी भी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना, किसी भी चीज को। आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप ये भी ना करें तो बेहतर है। उसके बाद ये आपने इसे क्लस्टर साइज फैट 32 NTFS कुछ नहीं छेड़ना, ये रेडी फाइल स्टार्ट को आपने क्लिक कर देना। जस्ट ये बता रहा है कि आपकी यूएसबी के अंदर जितना भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, ऑटो पे मैं नई फाइल डालूंगा। ओके, डिलीट कर दो, नो इशू। अब हम थोड़ा वेट करते हैं और इस वीडियो को मैं थोड़ा सा स्पीड में चला रहा हूं ताकि आप लोगों को मतलब टाइम आपका सेव रहे, और आपका सेव टाइम के साथ साथ आपका वक्त बचेगा ताकि आप लोग और मजे कोई काम कर सकें। इसके कुछ 5 टास्क हैं, देख सकते हैं आप, 5 टास्क ने कंप्लीट किया और ये फाइलें कॉपी होना शुरू हो गई। मैं आप लोगों को टास्क बार में जाके इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ कि किस चीज़ पे ये हिट कर रहा है। ये ज़्यादातर रैम पर हिट करता है या सीपीयू। अगर आपका सीपीयू बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, जिसकी रैम 6 to 8 GB to 16 GB है, वेल एंड गुड, ये बहुत ही स्पीड से कॉपी करेगा।
तो थोड़ा वेट करते हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर के कैसे ये वर्क कर रहा है। वेलकम बैक दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है, जो हमारा वीडियो का जो मैं आप स्किप कर गया था, वो के सारी स्टेटस जो इसका कंप्लीट हो गया, और इस कंप्लीट होने के बाद ये रेडी हो गया है। और ये डिवाइस के अंदर 3.34 GB, ये मैंने बीच में इसलिए ओपन करके दिखाया कि आपको पता लगता रहे कि कैसे अपडेट होती जा रही है। अब मैं इस प्रोग्राम को, इसको बैक वाले प्रोग्राम को काट के दोबारा खोलता हूँ, देखिएगा GB जो है इसके 3.15 नॉर्मल जो इसके स्टैंडर्ड GB हैं वो बन गए हैं। और इस प्रोग्राम को मैं कैंसिल करता हूँ, इस USB को मैंने वापसी बाहर निकाला और यह मैं दोबारा इसको इंसर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये हमें प्रॉपरली हर एक चीज़ दिखाएगा, और यहाँ पर 3.15 GB इसने दिखाया, और ये हमारी विंडो जो है बूटेबल तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है कि सिंपल जो है इसके अंदर जो है आसानी से जो है अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। बाकी प्रोसीजर मैंने जो है, जो हाउ टू इंस्टॉल अ विंडो फुल प्रोसीजर है, उसमें मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आप लोग वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ जाए, तो पिछले कोर्स को कंप्लीट करते जाएं और फिर आगे वाला आपको खुद समझ आता जाएगा। तो आपने आज जो है बूटेबल USB बना ली है, और इस बूटेबल USB के अंदर आप लोगों ने विंडो का सेटअप पूरा भी इंस्टॉल कर लिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।